सो फ्रेंड्स, अभी अपने साथ है शारदा मैम, जिन्होंने ये डिवाइन स्पिरिचुअल मेला को अभी घूमने हैं, और मैंने इनके हाथों में देखा है कि बहुत सारे चीज़ें आपने यहाँ से खरीदी है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या चीज़ें ली है और मतलब कैसा लगा आपको यहाँ आके? मेरी तो शॉपिंग बैग्स इतनी भर गई है और मेरे ब्रासलेट्स भी आप देख सकते हैं, और मैंने ये जिम्बू मेहंदी भी निकाली है। और मुझे यहाँ पे आके सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा, पहले ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा लगा कि स्पिरिचुअल मेला। हम लोग बाकी चीज़ों के तो बहुत सारे एग्जीबिशन देखते हैं, बट इस टाइप का एग्जीबिशन हमको कहीं देखने नहीं मिलता है। और आई कम टू नो सो मैनी थिंग्स कि इतनी सारी चीज़ें इस लेवल पे भी होती है, अपने यूनिवर्स की चीज़ों पे काम करती है करके। और यहाँ की पॉजिटिविटी, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के लोग, एवरी थिंग इज़ टू गुड। और मैम, आपने यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ कराई आज? मैंने वो जो लूडो है, एंजल लूडो इंजॉय किया, उसमें काफ़ी मेरी जो अंदर की चीज़ें थी वो क्लियर हो गई। पहले तो लगा मुझे पता नहीं, लेट्स ट्राई, बट जब किया और उसके अंदर के जो आए नंबर्स मेरे लूडो के, वो जो उनका एक्सप्लेनेशन इज़ टू गुड। और फिर करेंसी एनालिसिस, वो भी एक नई चीज़ है हम लोगों को सीखने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे, करेंसी एनालिसिस भी। और मैंने सिग्नेचर एनालिसिस किया, वो तो सबको पता ही है समझो सिग्नेचर एनालिसिस, बट द वे शी टॉक बिनीता इज़ टू गुड एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग। मैंने तो शॉपिंग ही इतनी सारी कर ली है, ब्रासलेट्स, तारा देवी, एंजल्स, और मैंने 3-4 कोर्सेस के लिए ऑप्ट भी किया है, जो उनके शॉर्ट कोर्सेस का उन्होंने अभी जो रखा है ऑप्ट, तो मैंने सिग्नेचर एनालिसिस, वास्तु स्मार्ट कोर्स, क्रिस्टल थेरेपी, उन सब के लिए भी ऑप्ट किया है यहाँ पे। आई वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली। अब जैसे अगली साल ये करेंगे तो आई विल डेफिनेटली लाइक टू कंटिन्यू। मे यू गेट ऑल द सक्सेस मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।